हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं गेटसेट टेक। और भाई आईकू की तरफ से यहाँ पर मैं आईकू नियो 7 ऐसी फोन जो है लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। आज जो हम लोग इसी फोन को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, बताऊंगा आप लोगों को ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर कब तक देखेंगे, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रहा है और क्या क्या फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन आप लोग को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उस फोन का रिटेल पैकेजिंग। सामने की साइड में यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले जो है फोन ही देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आईकू नियो 7 SE का बॉक्स। सामने की साइड में यहाँ पर आप लोगों को आईकू नियो 7 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। फटाफट से फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग जो बॉक्स कंटेंट को ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स के अंदर आप लोगों को जो है फोन ही देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों को 120 वॉट का जो फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर बिल्ट इन देखने के लिए मिलता है। टाइप सी टू ए केबल यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। खैर यहाँ पर सी टू सी देनी थी तो और अच्छी जो है बात होती, लेकिन फिर भी दोस्तों ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंट केस देखने के लिए मिल जाता है। फटाफट से फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हम फोन के लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो सामने की साइड में यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट ग्लास सरफेस देखने के लिए मिल जाता है, बिल्कुल फ्लैट है। और आप लोगों को यहाँ पर पंच होल भी देखने के लिए मिलता है ऊपर की साइड में। पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोग ग्रेडियंट कलर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर ये जो कलर है ये जो लाइट के अंदर शाइन करता है और अपने थोड़े बहुत जो कलर को चेंज करता है। ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोग कैमरा बम्प देखने के लिए मिलता है, और नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को आईकू की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को पकड़ने में जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा फोन, ग्रिप काफी ज्यादा बढ़िया आप लोगों की बनेगी। उसी के साथ साथ ऊपर की साइड में जो कैमरा मॉड्यूल है यहाँ पर आप लोगों को नियो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और ऊपर की साइड में आप लोगों को सर्कुलर शेप के अंदर जो है कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों दिखने में ये जो कैमरा मॉड्यूल है, मतलब दिखने के मामले में ये जो फोन है ये जो काफी ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया कलर यहाँ पर आप लोगों को इस फोन का देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ साइड में आप लोग देख सकते हैं इतना कैमरा बम्प आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वाले फोन में। ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोग सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है, IR ब्लास्टर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, सिम ट्रे एंड सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। फोन की अगर वेट की बात करें तो 195 ग्राम जो इस फोन का वेट है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को फोन जो है बल्कि बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आप लोग जो एक हाथ से भी यूज करेंगे तभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा भाई काफी ज्यादा भारी है फोन। एक जो है डिसेंट सा फोन है, यहाँ पर आप लोगों को ना ज्यादा भारी लगेगा ना ज्यादा हल्का लगेगा फोन। उसके साथ साथ अगर बात करें इस फोन की थिकनेस की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 8.6 mm की थिकनेस देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात कर लें यहाँ पर मैं आईकू नियो 7 SE के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। 6.78 इंचेस का डिस्प्ले दोस्तों, काफी ज्यादा बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग जो कंटेंट वगैरह काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब Netflix, YouTube, Amazon Prime, ये चीज अगर आप लोग ज्यादा देखते हैं, तब आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को AMOLED स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है। 6.78 इंचेस का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग जो एक हाथ से यूज करेंगे तब आप लोगों को हल्की बुल्की प्रॉब्लम आ सकती है इस फोन को यूज करने में। उसी के साथ साथ आप लोगों को FHD+ डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। HDR10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर आप लोग जो गेमिंग वगैरह करेंगे या फिर अगर आप लोग जो इस फोन को यूज करेंगे आप लोगों की नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, तभी भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 120Hz का रिफ्रेश रेट है। मतलब आप लोगों का डिस्प्ले जो है काफी स्मूथ रहने वाला है। कुल मिला के अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो आप लोग जब इसको यूज करेंगे, गेमिंग वगैरह भी करेंगे, तब यहाँ पर काफी स्मूथनेस आप लोगों को फील होगी। ब्राइटनेस की बात करूँ तो 1300 यूनिट्स की यहाँ पर आप लोग इस फोन के अंदर ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। मतलब कि यहाँ पर जो है डिस्प्ले काफी ब्राइट है। अगर आप लोग जो डे टाइम में भी यूज करेंगे, मतलब थोड़ा सा अगर धूप का टाइम है, तो काफी सारे फोन ऐसे हो जाते हैं कि धूप में अगर आप लोग जो फुल ब्राइटनेस भी कर देते हैं तभी भी यहाँ पर मैं आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो जो है विजिबल नहीं होता है। लेकिन इस फोन के अंदर आप लोगों को वो प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, डिस्प्ले आप लोगों को बिल्कुल जो है विजिबल होगा धूप में भी अगर आप लोग यूज करेंगे। अगर आईकू नियो 7 की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोगों को इस फोन के अंदर एक जो 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 8200 प्रोसेसर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। 4 nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब कि काफी अच्छा फैब्रिकेशन इस प्रोसेसर के अंदर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 5G प्रोसेसर है, उसी के साथ Dimensity 8000, मतलब आप लोग समझ सकते हैं मिड सेगमेंट के हिसाब से दोस्तों काफी पावरफुल प्रोसेसर है ये। अगर आप लोग जो हैवी गेमिंग भी करना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं अपने फोन से, तो वो सारी चीजें आप लोग जो बिल्कुल बहुत ज्यादा आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप लोगों को हैंग होने की शिकायत या फिर लैग होने की शिकायत बिल्कुल भी आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, उसी के साथ 4 nm का फैब्रिकेशन इस प्रोसेसर के अंदर हुआ है। ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिल रही है। अगर बात कर लें यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 8GB की रैम देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात कर लें यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ साथ एक वेरिएंट में आप लोगों को 12GB की रैम और 512GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। आप लोग अपने बजट के हिसाब से चूज कर पाएंगे। अब फटाफट से बात कर लें यहाँ पर इस फोन के कैमरा सेटअप की, तो पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहे हैं। जो प्राइमरी सेंसर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, वो आप लोगों को 64 MP का देखने के लिए मिलता है, जो कि OIS के साथ में आता है, मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। ये कैमरे का सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इस फोन के अंदर। मतलब कि जब
आप लोग जो वीडियो वगैरह शूट करेंगे अपने फोन से भी, तब यहाँ पर मैं आप लोग की वीडियो के अंदर शेक आप लोगों को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग की वीडियो की हिलती डुलती बिल्कुल भी नहीं आएगी, काफी स्टेबल वीडियो आप लोग जो शूट कर पाएंगे अगर आप लोग जो है हाथ से भी शूट करेंगे तो ये जो है आप लोग को OIS का काफी तगड़ा फायदा इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है प्राइमरी सेंसर के अंदर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग इस फोन के अंदर और एक सेंसर देखने के लिए मिल रहा है जो कि 2 मेगापिक्सल का, जो कि डेप्थ है, और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को एक मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जा रहा है। बात कर लूँ यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बैक कैमरा से, तो आप लोग जो 4K at 30fps और फुल HD at 30fps में जो शूट कर पाएंगे। उसके साथ साथ हाई डायनेमिक रेंज मोड का सपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। कंटिन्यूस शूटिंग का सपोर्ट आप लोगों को इस फोन के कैमरे के अंदर देखने के लिए मिलता है, बेसिकली बैक कैमरे के अंदर। फटाफट से बात कर लें यहाँ पर मैं इस फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ आप लोग जो फ्रंट कैमरे से अगर बात कर लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप लोग जो फुल HD रिकॉर्डिंग एट 30fps में जो शूट कर पाएंगे। फटाफट से बात कर लें यहाँ पर मैं इस फोन के नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, तो जी हाँ दोस्तों, जो 5G फोन होने वाला है ये, और आप लोग इस फोन के अंदर 4G 3G 2G सारे ही बैंड देखने के लिए मिल रहे हैं, और 5G के भी यहाँ पर आपको काफी सारे बैंड देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप लोग को 5G की स्पीड इस फोन के अंदर अच्छी देखने के लिए मिलेगी, और ओवरऑल एक जो फ्यूचर प्रूफ फोन है, फ्यूचर में भी यहाँ पर आप लोग को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर बात कर लूँ सेंसर की, तो जी हाँ दोस्तों, सारे सेंसर आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं, जायरोस्कोप का हो गया, कंपास का सेंसर हो गया। सेंसर की बात हुई है तो यहाँ पर हम फटाफट से बात कर ले फिंगरप्रिंट सेंसर की। ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, मतलब कि जो स्क्रीन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट का सेंसर आता है, वो वाला फिंगरप्रिंट का सेंसर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। फटाफट से बात कर ले इस फोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आप लोग इस फोन के अंदर 5000mAh की नॉन रिमूवेबल लिथियम एम्पार्ट बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। उसके साथ साथ 120W की फास्ट चार्जिंग को ये फोन जो है सपोर्ट करता है। मतलब आप लोग का फोन जो दोस्तों 60% 10 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा, 20 मिनट में दोस्तों आप लोग फ्री, 20 मिनट में आप लोगों का फोन जो फुल चार्ज हो जाएगा 100%। तो ये काफी एडवांटेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा iQOO Neo 7 SE का। तो ये तो हो गया दोस्तों फोन का ओवरव्यू। और फटाफट से बात कर ले कि ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर कब तक एंड किस प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ इस फोन की जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली दोस्तों 22,790 रुपए से लेकर 23,500 रुपए के बीच। तो दोस्तों बस यही सारी कहानी थी iQOO Neo 7 SE की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस फोन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो, नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्रैक उनको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नेटवर्क के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।